इतने बड़े हैकर बैठे हैं इस इंडिया में, तो कभी भी ईवीएम को हैक कर सकते थे। यहाँ पे हारती है पार्टियाँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी। मेरे को ये कम लगता है क्योंकि हर जगह कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं बीजेपी जीत रही है, अब यहाँ आप जीत रही है। अगर हर जगह घोटाला था तो फिर ऐसी पार्टियां जीत नहीं सकती। मेरे हिसाब से तो जी बैलेट पेपर ठीक है, क्योंकि पीछे से अखबारों में भी आया था, न्यूज़ों में भी आया था कि भी ये ईवीएम मशीन से कुछ घोटाला हो जाता है। सर विपक्ष का काम है बोलना, वो कुछ भी बोलेगा। यदि वो जीतेगा तो कभी नहीं बोलेगा, यदि हारता है तो बोलता है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों लोकसभा के चुनाव हैं और इन दिनों में जो वोटर हैं वो सर्वोपरि हैं और आज का वोटर बहुत जागरूक है। इससे पहले जो वोट पड़ते थे वो बैलेट पेपर पर पड़ते थे, अभी वोट ईवीएम पर पड़ते हैं। ईवीएम के बारे में हमारा जो वोटर है वो कितना जागरूक है, कितना उसके बारे में जानते हैं, आइए आज बात करते हैं यहाँ के वोटर से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पूरन नेगी है जी। नेगी साहब, आप वोट पोल करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। अभी लोकसभा चुनाव जैसे आ रहे हैं तो आप ईवीएम के बारे में तो जानते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर कौन सा प्रोसेस बेस्ट है वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए मेरे हिसाब से आई थिंक ईवीएम ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ईवीएम से आप एकदम से मतलब चीजों को अपने कंट्रोल कर सकते हो। ईवीएम जो जैसे आप वोट करते हो मतलब उसका एक बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है, जिससे आप वो क्या कहते हैं काउंटिंग भी बड़े इजीली कर सकते हो, सब कुछ मतलब एट द पॉइंट आपको सब कुछ मिल जाता है उसमें, जबकि बैलेट पेपर एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये डिफरेंस है मेरा। तो विपक्ष तो कहता है कि उसमें घोटाला होता है ईवीएम में, ईवीएम से हेरा फेरी हो जाती है, वोट्स किसी एक पार्टी के झोली में चली जाती है, ऐसा भी कुछ है जी? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने बड़े हैकर बैठे हैं इस इंडिया में, तो कभी भी ईवीएम को हैक कर सकते थे। आज तक तो ऐसा किसी ने हैक नहीं किया, या जहां तक मेरे को लगता है ईवीएम से अगर ऐसा होता है तो जहां पे विपक्ष जीतता है वहां पे ईवीएम के बारे में क्यों नहीं बोलते कि यहां पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी तब जाके हम जीते हैं, ऐसी तो कोई पार्टी नहीं बोलती। नहीं, हारने की दिक्कत आती है, जहां पे हारती है पार्टियां वहां पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अच्छा भाई सर, वीवीपैट के बारे में आप क्या जानते हैं? वो तो सर एक मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है किसी पार्टी का, आप किसी को वोट कर रहे हो एग्जैक्ट में उस पार्टी को जा रहा है नहीं जा रहा है वो वोटिंग से पहले वो वेरिफिकेशन की जाती है। ईवीएम मशीन क्या है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन है। वीवीपैट क्या है, वीवीपैट के बारे में जानते हैं? वीवीपैट को मिलान करते हैं वोटिंग मशीन से। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने बैलेट पेपर पे भी वोटिंग की है और ईवीएम पे भी की है, तो आप किसको बेस्ट मानते हैं? पेपर को। आप पेपर को बेस्ट मानते हैं, क्यों? जो आजकल ये पंगा पड़ा हुआ है ईवीएम में, हैक हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, सभी तो सुन रहे हैं, सारी पूरी देश की जनता सुन रही है, तो इसलिए पेपर वाले जो होते थे वो तो एक एक करके उन्होंने काउंटिंग करनी होती थी, सारे क्लियर हो जाते थे। अब तो रिजल्ट 2 घंटे में रिजल्ट आता था, कम 2 दिन लगते थे, मतलब सही चल रही थी पहले, तो पेपर वाले ही ठीक है। कपिल जी, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आप वोट डालने जाते हैं जी, तो वोट जो डलती है वो एक ईवीएम मशीन से डलती है और कुछ साल पहले बैलेट पेपर से डलती थी जी, तो आपके हिसाब से ईवीएम ज्यादा बेटर है या बैलेट पेपर? ईवीएम बेटर। क्यों? काउंटिंग इजी है, उसमें घपले कम हो सकते हैं मेरे हिसाब से, बैलेट के तो बॉक्सेस ही गायब हो जाते थे पहले, जीप पे गायब करते। लेकिन ऑपोजिशन तो चिल्ला रहा है कि ईवीएम में घपला है, ईवीएम में घोटाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को ये कम लगता है क्योंकि हर जगह कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं बीजेपी जीत रही है, अब यहाँ आप जीत रही है। अगर हर जगह घोटाला तो फिर ऐसी पार्टियां जीत नहीं सकती मेरे हिसाब से। अच्छा वीवीपैट के बारे में आप क्या जानते हैं? वीवीपैट का नहीं आइडिया। लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं ना? बिल्कुल जी। तो वोट जो है वो ईवीएम मशीन से होते हैं? हाँ जी। इससे पहले आज से कुछ साल पहले की बात करें तो जो वोट होते थे वो बैलेट पेपर पे पड़ते थे। बिल्कुल सर। आपके हिसाब से ईवीएम मशीन ज्यादा अच्छी है या बैलेट पेपर ज्यादा अच्छे हैं? मेरे हिसाब से तो जी बैलेट पेपर ठीक है, क्योंकि पीछे से अखबारों में भी आया था, न्यूज़ों में भी आया था कि भी ये ईवीएम मशीन से कुछ घोटाला हो जाता है, तो उसके कारण बैलेट पेपर ही बेटर सर। आपको ईवीएम के बारे में वैसे पूरी नॉलेज है? ईवीएम एक मशीन होती है जी, वो जिसमें वो सभी पार्टियों के लगे होते हैं, उसमें जो भी पार्टी को आपने वोट देनी हो तो उस पर बटन दबाना होता है, तो जब हम बटन दबाते हैं पीछे कोई ऐसे आई थी उसमें के भी हम बटन दबाते हैं किसी और पे, वोट चली जाती है किसी और पे। आप वोट पोल करते हैं?
करते हैं सर। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी, आप ईवीएम के बारे में जानते हैं? बिल्कुल सर। ईवीएम और बैलेट पेपर इसमें क्या फर्क है? सर आई थिंक सर कि ईवीएम इज बहुत बढ़िया प्रोसेस है, जो बैलेट पेपर की आप बात कर रहे हो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है, इसलिए ईवीएम इज द बेस्ट। ईवीएम बेस्ट है या? लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर विपक्ष का काम है बोलना, वो कुछ भी बोल लेगा, यदि वो जीतेगा तो कभी नहीं बोलेगा, यदि हारता है तो बोलता है वो, इसलिए वो बोलेगा बोलेगा। आप वीवीपैट के बारे में क्या जानते हैं जी? सर एक्चुअली वो एक तरह से वेरिफिकेशन का जरिया है कि उसमें ये देखते हैं कि जो हमने जिसको वोट किया है उसी को आया है या नहीं, एज ए वेरिफिकेशन की तरह। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, आप बताओ। क्या नाम है भाई साहब आपका? ऋषभ। ऋषभ जी क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मार्केटर है। कितनी एज है आपकी? 24। आपने वोट पोल किया अभी तक? हाँ एक बार किया था। अच्छा ईवीएम क्या है, ईवीएम के बारे में जानते हैं आप? ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं पता, बट वोटिंग से रिलेटेड ही कुछ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम है क्या? शायद पोल करने के लिए मशीन्स जो रिकॉर्ड रखती हैं। अच्छा वोट्स का। ओके तो वीवीपैट के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं उसके बारे में तो कोई आईडिया नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कुसुम जी। कुसुम जी क्या करते हैं आप? सर मैं SBI में PM हूँ। अच्छा आप वोट डाल रहे हैं? हाँ जी। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? हाँ जी। तो आपको पता है कि ईवीएम मशीन क्या होती है? हाँ जी बटन वाली। हाँ जी जिससे वोट डालते हैं। हाँ जी। ईवीएम के साथ एक वीवीपैट मशीन होती है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं सर उसके बारे में मुझे नहीं पता है। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर इसमें से आप किसको बेस्ट मानते हैं? ईवीएम बेस्ट। क्यों? ईवीएम बैलेट पेपर एक बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, जो कि पुराना प्रोसेस था, उसको ईवीएम के थ्रू उसको वो किया गया है। ईवीएम इजी है, फास्ट है और ईवीएम में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि ईवीएम जो है उसमें घोटाला है। जहाँ विपक्ष हारता वहाँ पे विपक्ष ऐसे कहता है, जहाँ जीतता वहाँ नहीं कहता कभी। पंजाब में अभी विपक्ष ने इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से जीता है, वहाँ तो उन्होंने कहा ही नहीं ऐसे कभी कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। हर पार्टी के पोलिंग एजेंट अंदर बैठे होते हैं बूथ पे, उनसे दो दो वोट, एक एक वोट करवाई जाती है कि आप आम आदमी को वोट करो, आप कांग्रेस को करो, आप बीजेपी को करो। उसकी एक हार्ड कॉपी साथ ही आती है, वो अपनी चेक कर लेते हैं उससे कि हमने कांग्रेस को डाली वोट तो कांग्रेस पे ही गई या नहीं गई, तो वो चेक करवाते हैं। वही वीवी हुआ है जॉब पे। ईवीएम की अगर बात करें तो आज भी बहुत सारा जो ऐसा वोटर है जिसको ईवीएम के बारे में सही से नॉलेज नहीं है। वीवीपैट की बात करें तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि उनको वीवीपैट के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन विपक्ष है कि हमेशा से ये कहता आ रहा है कि ईवीएम में घोटाला है, वीवीपैट जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन वोटर हमारा कितना जागरूक है ये आप देख रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम वोटर को उन सब चीजों के बारे में, उन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते रहें जो टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में उनकी हेल्प करेंगी, उनको बताएंगी कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।